देखिए गणेश जी के फेवरेट होते हैं मोदक, और आज तो बहुत वैरायटी है गणेश जी के पास, और हर कोई बस गणेश जी के आगमन की खुशी जो है मिठास के साथ मना रहा है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कल्याणी और मल्हार के पास, जो बना रहे हैं मोदक। थोड़े बनाएंगे, थोड़े खाएंगे। गणेश चतुर्थी की काफ़ी मेमोरीज है मेरी, क्योंकि रिचुअल है जो दोस्त, मतलब जो मेरी सोसाइटी के दोस्त हैं, हम भले ही महीने महीने ना मिले, बट गणेश चतुर्थी वाले फर्स्ट डे पे हम सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। सुबह 9 बजे मिलते हैं, फिर सबके घर जाते हैं दर्शन करने। सो दिस इज़ वन वेरी स्वीट मेमोरी दैट आई हैव। देखिए मल्हार राणे थोड़े स्लो हैं, इसलिए शायद उनको कल्याणी को आई लव यू बोलने में भी टाइम लग गया, और क्योंकि वो बहुत स्लो है इसलिए वो बहुत बातें बोल नहीं पाते, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है। अभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तो मैं ही जीतूँगी। मैं चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ लड्डू बनाने का, और चैलेंज है मेरे और मल्हार जी के बीच में, तो देखते हैं कौन जीतता है। गणपति बप्पा मोरिया, चलो शुरू करो। मुझे तो अच्छा लग रहा है, अब मुझे नहीं पता कि बाकी मेरे दोस्तों ने कितना जल्दी किया होगा, कितना लेट किया होगा, पर मेरा चैलेंज तो था मल्हार जी को, तो फिर मेरा हुआ है 5.5 मिनट। नाउ लेट्स सी अगर मल्हार राणे 5.5 मिनट के अंदर 11 लड्डू बना पाते हैं या नहीं। एंड एज यू कैन सी मेरे सारे लड्डू राउंड है, तो उनके भी राउंड होने चाहिए। एक ने एट बोला। एक इतनी बेइज्जती नहीं करेगी। 8 नंबर, 10 में से 8 नंबर। 8 नंबर बोले। हाँ चलिए ठीक है। डीएम साहिबा कल्याणी राणे ने ये लड्डू बनाए हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। इन ऑल 11 लड्डू 5.5 और मुझे ये जीतने के लिए एटलीस्ट 12 तो बनाने पड़ेंगे। 11:30 भी बना लूंगा चलेगा ना? ठीक है, टाइम में हम ऑन करते हैं। ऑलराइट, टाइम स्टार्ट्स। मेरे हाथ हैं बड़े और मुझे एक्सपीरियंस है लड्डू बनाने का पहले भी। मुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद है, और मेरा एक दोस्त है बचपन का दोस्त वीरेंद्र, उसके घर में देसी घी के लड्डू बनते हैं और वो लड्डू इतने कमाल होते हैं, वो मतलब मैं जब भी जाता हूँ उसके घर पे लड्डू खाता हूँ और साथ में दूध पीता हूँ। उसके यहाँ भैंस भी है और भैंस भी बंदी होती थी उसके यहाँ, तो और भैंस का दूध और लड्डू खा के ऐसे मज़े करते हैं और चिल करते हैं, तो लड्डू से तो वो यादें। और विसर्जन की और गणेश चतुर्थी की यादें मनीष पॉल करण वाही इनके घर पे हैं, ये सब हमेशा जब भी विसर्जन करते तो मैं इनके साथ होता हूँ। मैं ये सब क्यों बना दूंगा? अभी तो मतलब 2.5 मिनट ही हुए हैं। बताना मत बिचारी को, सैड हो जाएगी कि मैं जीत गया उससे। उसको बोलना कल्याणी तुम जीत गई, मल्हार राणे हार गए। खाना वाना बनाना सब आता है मुझे, और रोटी बनानी आती है लेकिन बहुत लेजी हूँ मैं, रोटी नहीं बनाता हूँ, खाना सब बना लेता हूँ। तो जो भी आने वाली है उसके लिए तो इतना आसान, इतनी गुंजाइश होगी कि जिस दिन उसकी तबीयत ख़राब है उस दिन मैं उसके लिए खाना बना लूँगा।
हैप्पी गणेश चतुर्थी। और देखिए मेरी एडवाइस ये है कि पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है, कोविड है अभी भी, थोड़ा ध्यान रखें, ख्याल रखें अपना, कोशिश करें कि ज़्यादा भीड़ जमा ना करें, कोशिश करें कि जितना भी विसर्जन आप कर रहे हैं घर में ही कर लें, या फिर ऐसा हो कि मिट्टी से बना लें और घर की मिट्टी पे बना के घर में विसर्जन कर लें। मेरे जितने भी दोस्त हैं वो ऐसा ही कर रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी ऐसा करेंगे, अपना ध्यान रखेंगे। देखिए कल्याणी जीत गई, कितने क्यूट क्यूट बनाया इसने। मेरा क्यूट नहीं है, मेरा बिल्कुल ही जो सब लोग जैसे दुनिया बना रही है वैसे ही मैं बना रहा हूँ, तो इसमें कुछ नया तो है नहीं। ये है देखिए कितना कमाल काम, कितने क्यूट क्यूट से छोटे छोटे से ऐसा मासूम मासूम से लड्डू हैं। अब मैंने जब मैं बना रहा था ना, मैंने इनको पहले भी कहा था कि कल्याणी के हाथ छोटे छोटे क्यूट क्यूट से हैं, तो इसलिए छोटे छोटे क्यूट क्यूट बने हैं। और उसको बनाने में प्रॉब्लम हुई क्योंकि उसका हाथ मैंने देखा है, कितना छोटा सा हाथ दिखा उनको अपना, तो तेरी गलती है नहीं इसमें। देखो कि बच्चे का कितना क्यों, हमारे क्यूट लड़के का कितना ज़्यादा लड्डू। अब कैसे बनेंगे लड्डू ऐसे? चैलेंज ही गलत था, गेम ही गलत था। मुझे नहीं खाने लड्डू। मैंने तेरे लिए बनाया। हाँ जी, खिला। तो मैं तुझे जो इसमें सबसे अच्छा लड्डू बना है वो तुझे खिला, ठीक है? वो मैंने दिल से बनाया कि वो मैं कल्याणी को खिलाऊंगा। कल्याणी कम खाना, क्योंकि तुमने वेट कम किया है ना, इसीलिए तो मैं ध्यान रखता हूँ तुम्हारा। तुम बाद में मुझे सुनाओगे कि पूरा लड्डू खिला दिया मुझे, मैं इतनी मुश्किल से डाइटिंग कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, मुझे सुना नहीं। देखो कितना सहाया चिड़िया ने हमारी, चिड़िया की तरह। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।